हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार अभियान के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने राजघाट थाने पर पुलिस चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनपद में जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर बुधवार राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थानों पर पुलिस चौपाल लगाया जाता है, जिससे जनता अपनी समस्याओं को सीधा राजपत्रित अधिकारी के सामने रख सके और उसका मौके पर निस्तारण हो सके। जिसको देखते हुए मैंने राजघाट थाने पर पुलिस चौपाल लगाया। उन्होंने बताया कि बुधवार को लगाए गए पुलिस चौपाल में जमीनी विवाद, मकान कब्जा, नाली विवाद, मारपीट सहित अन्य मामले आए। उन्होंने बताया कि चौपाल में आए मामलों को संबंधित अधिकारी को शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस चौपाल से जनता बहुत खुश है कि सीधे अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने का मौका मिल जाता है तथा थाने पर जो समस्या सॉल्व नहीं हो रही है उसको सॉल्व किया जा रहा है। इस अवसर पर राजघाट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा सहित कई फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए अलग अलग तरह के मामले हैं, जमीन संबंधी कुछ मामले हैं, घर को बनाने के कुछ मामले हैं, इसके अतिरिक्त बाकी जो क्राइम के होते हैं नॉर्मल वो भी मामले आए हैं। उन सब के बात की गई है, दोनों पक्षों को बुला के उनसे बात की गई है और उनके निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है लेखपाल सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात की गई है, जिन जिन मामलों में जहाँ आवश्यकता है उनके भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। ये पुलिस चौपाल के लिए जनता का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, जनता बहुत ही खुश है इसमें कि उसको डायरेक्ट जो है सबके आने के अधिकारियों से मिलने का मौका मिल रहा है और थाने पर जो समस्याएं उसको सॉल्व नहीं हो रही हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। सर कितने मामलों को निपटाया? ये अभी तक हमारे पास 10 मामले आ चुके हैं, अभी 2 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ, 10 मामले आ चुके हैं। तो सुबह 11 से रात 11 बजे तक ये कार्यक्रम है, तो इसमें बहुत सारे मामलों का निस्तारण पुलिस चौपाल पे थाने लेवल पे ही हो जाएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छा रहेगा।